बड़ी खबर क्या है कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। केरल से आज भी वापस लौटे हैं राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पंजाब में जो घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, अब इसी को लेकर और जो लगातार स्थितियां वहां पर खराब हो रही हैं, इस पर राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सुप्रिया, ये बताइए कि कैप्टन की तरफ से अब ये साफ कर देना कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उधर नवजोत सिंह सिद्धू अब को लेकर जो लगातार घमासान मचा हुआ है और अब ये मुलाकात, क्या जानकारी सामने आ रही है आपके पास? देखिए समीर, जहां तक जो पंजाब का मसला है उसको लेकर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो ये कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वो वायनाड में थे कल, जब पूरा घटनाक्रम हुआ, जब कैप्टन मिल रहे थे और कपिल सिब्बल जो है वो पार्टी की आला कमान के ऊपर जो है हमला बोल रहे थे। तो आज जब सीधे पहुंचे हैं वायनाड से तो वो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के घर पे गए हैं। इसके साथ साथ जो है खबरें ये भी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो कैप्टन वो जो चीफ मिनिस्टर हैं चन्नी, उनको मिलने चंडीगढ़ जा रहे हैं। वहीं और दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो जो कल तक मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे थे, आज जो है मीडिया के सामने आ रहे हैं। उन्होंने जो मुलाकातें करी उसके अपना रुख रख रहे हैं। ये भी खबरें कैप्टन के कैंप से आ रही है कि फिलहाल वो भी कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको जो मीटिंग करनी थी किसानों के बीच में उतर कर मध्यस्थता करेंगे। एक और भी खबर जो आ रही है वो ये है कि हो सकता है कैप्टन की एक अपनी पार्टी में रजिस्टर करा रखी है अपने नाम पे, तो उसको भी शायद रिवाइव किया जा सकता है। तो बहुत तेजी से घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन हाँ, ये भी खबर है कि हरीश रावत जो कि पंजाब के इंचार्ज और इसके साथ साथ और जो अन्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी मुलाकात आज शाम राहुल गांधी से हो सकती है पूरे मसले को लेकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।